और एक पास ला चुका है। ये रही भाई अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, फंसा है। ये देखो ये बटर नान का ऐसा पीस लिया, इसको ऐसे बटर में अच्छे से मिक्स किया, फिर बटर चिकन और फिर तो भाई अभी जो पैकेट आपने देखा उसमें ये आया था मसल ब्लीज का क्रिएटिन क्रिए प्रो, ये कुछ तो फ्रूट पंच फ्लेवर है, और उसके साथ ही साथ मेरा और एक पार्सल आ चुका है, और इसमें है अपना पावर लिफ्टिंग बेल्ट जो डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स के टाइम पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जिम में बेल्ट नहीं है, तो ये मुझे हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट करने में। मैं क्या कर रहा था कि मेरे पे पहले ना बेल्ट नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे अपनी जो डेडलिफ्ट थी वो स्किप करनी पड़ती थी, या फिर स्क्वाट्स में करता नहीं था। तो अभी मैंने रिसेंटली स्क्वाट्स करना अभी चालू किया है, तो अभी भी इस बेल्ट की हेल्प से मैं अच्छी तरह से स्क्वाट्स कर पाऊँगा, हैवी स्क्वाट्स कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा गोल है कि इस साल 2024 में मैं अपने लेग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करूँगा। मेरी अपर बॉडी एज़ कम्पेयर टू मेरी लोअर बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है, सॉरी मेरी उल्टा बोल दिया, मेरी अपर बॉडी एज़ कम्पेयर टू माई लोअर बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी लोअर बॉडी काफ़ी वीक है। तो इस साल मेरा गोल है कि मैं अपने लोअर बॉडी पर फोकस करूँगा, तो उसकी मेन मूवमेंट होती है स्क्वाट्स, तो स्क्वाट्स के लिए बेल्ट हेल्प करेगा, और स्ट्रेंथ के लिए मुझे ये क्रिएटिन भी हेल्प करेगा। वैसे मैंने बोला था कि मैं 1 तारीख से अपना कट स्टार्ट करूँगा, लेकिन आज है 7 तारीख और मैं कल से अपना कट स्टार्ट करने वाला हूँ। एक रात को जाएंगे एक चीट मिल लेने बढ़िया सी, तो वो चीट मिल करेंगे, और अभी के लिए मुझे तो फिलहाल जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे कल रात से सर्दी जुकाम और बुखार काफ़ी ज़्यादा है। अभी मेरी शक्ल से लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट नहाया हूँ मैं, इसलिए अभी मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, फिर इंजेक्शन लूँगा, उसके बाद जाएँगे जिम, और बस अभी सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। चलो भाई, तो डॉक्टर के पास से तो होके आ चुका हूँ मैं, और डॉक्टर ने 2-3 दिन के मेडिसिन दिए है, और साथ में इंजेक्शन भी ले लिया अपन ने, ताकि थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाऊँ, और बस अभी मैं जा रहा हूँ जिम डेडलिफ्ट करने। आज मारेंगे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, सुमो नहीं मारेंगे, क्योंकि दोनों पे स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए ना, ये नहीं कि सिर्फ सुमो अच्छी जा रही है और कन्वेंशनल पे मेरी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो इसलिए आज कन्वेंशनल की प्रैक्टिस करेंगे, विथ स्टेप्स विदाउट स्टेप्स वो आ जाके देखेंगे। बस अभी चलते हैं जिम, और जिम जाके आप लोगों से बात करता हूँ। वैसे देखा जाए तो मुझे घर पर बैठ कर आराम करना चाहिए, बस मुझे बुखार है, पर फिर भी मैं जिम जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे घर पर बैठे बैठे भी बोर हो जाऊँगा मैं, और करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई ब्लॉग या फिर वीडियो होता तो वो एडिट कर लेता, लेकिन जैसे कुछ है नहीं। मज़ा वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी जिम जाओ ही बुखार में, आपकी मर्ज़ी, अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं है तो आप मत जाओ, ऐसे तो मेरी भी रिकवर नहीं है, लेकिन मैं बोर हो जाऊँगा घर पे बैठे बैठे, इसलिए जा रहा हूँ मैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, तो अभी सीधा जिम में जाके आप लोगों से बात करता हूँ। Some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. We'll be right back.
people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. तो चुका है बढ़िया ऊपर गया, डेडलिफ्ट भी किए हैं। क्या 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 बताया आज? डेडलिफ्ट, फिर लैट पुल डाउन, फिर सीटेड रोइंग, श्रक्स और रियल डेल्ट्स। काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ। और अभी टाइम है चीट मील का, उसको खाने चलते हैं अभी। तो ये रही भाई अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, पनीर मोमोज। और देखो वहाँ पे अपनी जिम है, जिम के एकदम सामने बैठ कर ही खा रहा हूँ। आज लास्ट डे है चीट करने का, इसलिए थोड़ा सा मोमोज खा रहा हूँ। अभी बटर चिकन खाने जाऊंगा, निखिल को फ़ोन किया, निखिल भी आ रहा है, बटर चिकन खाने जाएंगे। तब तक यो निखिल कैसा है? टेस्टी है क्या? ये देखो भाई यहाँ पे बटर चिकन, शिकारी कबाब, और अभी ऑर्डर किया है और वो आ रहा है। देखो दोस्तों, चार दिन सुक्स करने के बाद कुछ ऐसी ही बात भूख लगती है इंसान को। ये देखो ये बटर नान का ऐसा पीस लिया, इसको ऐसे बटर में अच्छे से मिक्स किया, फिर बटर चिकन, और फिर बेस्ट, बहुत टेस्ट किया। कैसा निकल? एक नंबर, क्रेजी आ गया। बटर देख कितना इस पे बहुत भाई, तो खा के बात करता हूँ। तो वीकेंड था तो कुछ ऐसा कुछ प्लान था नहीं हम लोग का। हम लोग ने बाकी लड़के लोग को भी पूछा, लेकिन वो लोग ने अपने औकात दिखा दी, हर कोई लड़की के साथ में बाहर गए। तो अभी मस्त में बटर चिकन पेला, बटर चिकन आदि का उधर है, शिकारा कबाब और फ्राइड राइस वगैरह दबा दिया। अभी हम लोग जा रहे थोड़ा सा राउंड मार रहे एरिया में, उसके बाद फिर घर पर। बाकी सुबह डेडलिफ्ट की थी, तो आज का चीट मिल नहीं बोल सकते उसको, हम इस चीट मिल ही बोल लो, कुछ नहीं होता उतना। लेकिन आज का चीट मील वैसे वर्थ था, क्योंकि सुबह डेडलिफ्ट किए, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न किए, है कि नहीं? बराबर सही है भाई। बाय द वे माय ब्रो हैज आल्सो जॉइंड माय जिम। ये अब अगले वाली वीडियो में तुम लोग को जिम का प्लान बताऊंगा। तो दोस्तों वी आर बैक होम, क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले निखिल को छोड़ दिया लेंस कार्ड के पास। अभी मैं घर के यहाँ तक वॉक कर रहा हूँ ताकि थोड़ा खाना पच जाए। बट बहुत खाया यार, ऑलमोस्ट 3-4 नान खाए, बटर चिकन था, कबाब था, राइस खाया, फ्राइड राइस, और कुछ ज़्यादा प्राइस भी हुआ नहीं, काफ़ी सस्ता था। क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट था वो निखिल के पुराने फ्रेंड का था, तो उसने ज़्यादा पैसे भी नहीं चार्ज किया कुछ, तो दोनों का मिला के सिर्फ 550 हुआ है। तो 550 में इतना सब कुछ खा के आ गए, तो काफ़ी अच्छा बड़ा भाई। अभी घर पर जा रहा हूँ, और साथ में एक कॉर्नेटो भी लिया खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट क्रेविंग हो रहा था, तो अभी घर पे जाके ये खाऊंगा। और हाँ यार, मेरा ऐसा ही है, मैं जब खाता हूँ मैं पूरा दिल खोल के खाता हूँ, मैं काउंट नहीं करता बैठता कि भाई मेरे को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कट कर रहा हूँ आई नो, लेकिन फिर भी क्योंकि मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में, तो क्या करेंगे क्या, है ना? तो मज़े कर करके खाएँगे। तो बस यही तक था ब्लॉग। अगर आप लोग के ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलो बाय।